प्यारे बच्चों, आरसीआई एजुकेशन हबानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, आखिरी चट्टान रचना कंटिन्यू चल रही है, जिसके रचनाकार है मोहन राकेश जी। इसमें आपको एक पेज पढ़ा भी दिया है जीवन परिचय पाठ परिचय के साथ साथ। आज नया पेज नंबर 83, अपनी किताब का पेज नंबर 83 निकालिएगा, सबसे पहले ऊपर देखिएगा। देखिए पेज नंबर 83 पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, सभी ध्यान दें। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। किस रेशम में? रेशम का मतलब वस्त्र से। यानी जब लेखक मोहन राकेश जी सैंड हिल पर पहुंचे तो वहाँ बहुत से लोग थे, मिशनरी युवतियाँ थी जिन्होंने रंगीन कपड़े पहन रखे थे। हवा लगातार प्रवाहित हो रही थी और उससे उनका जो रेशम था, उनके जो वस्त्र थे, वो हिल रहे थे। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, यानी वो लगातार पैदल चलकर आई थी तो वो थक गई थी और बैठ गई। उस पूरे कैनवस में, उस पूरे क्षेत्र में, एक कैनवस या क्षेत्र विशेष के लिए आया है, एक भूभाग के लिए आया है, पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए यानी बिखरे हुए कुछ बिंदुओं की तरह। जिस प्रकार से कुछ बिंदु छिटक जाते हैं, बिखर जाते हैं, जैसे आकाश की बात करें, आकाश में तारे छिटके हुए होते, बिखरे हुए, उसी प्रकार से वो युवतियाँ जो थी वो बैठ गई। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। लेकिन देखिए, मिशनरी युवतियाँ बैठ गई, लेकिन लेखक कहता कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि लेखक सूर्यास्त देखना चाहता था। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। देखिए, कहने का मतलब सैंड हिल के सामने का जो विस्तार था वो तो पूरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पास एक ऊंचा टीला और था, वो मुसीबत था, आफत था, ठीक है, वो उसको ओट में यानी छिपा रहा था। कहने का मतलब है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से सूर्यास्त दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि लेखक स्पष्ट रूप से क्या देखना चाहता था? सूर्यास्त। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। यानी सब बैठे हुए थे, किसी ने कदम नहीं उठाए, अकेला लेखक उस टीले, जो बाधा बन रहा था, बाधक था टीला, ऊंचा टीला एक जो था वो ओट में छिपा हुआ, ओट में ले रखा था सूर्यास्त को, उस टीले की ओर लेखक चलना शुरू कर देते हैं। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ वहां पहुंचा, यानी लेखक अकेला यात्री था जो उस टीले तक पहुंचा। देखा कि उससे आगे उससे भी एक ऊंचा टीला और है, यानी लेखक ने सोचा कि आखिरी वही टीला है, उसके बाद वो टीला नहीं है। यदि उसे पता होता कि एक के बाद एक ऐसे बहुत से टीले आएंगे तो लेखक शायद नहीं जाता, लेकिन लेखक को लग रहा था कि आखिरी टीला है, उस टीले तक पहुंचकर हम सूर्यास्त को देख सकते हैं। लेकिन जैसे लेखक पहुंचा तो रास्ते में बहुत से टीलों का सामना करना पड़ा। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए, टांगे थक रही थी, पैर थक रहे थे। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीलों को पार किए, पर मन थकने को तैयार नहीं था। देखिए, शारीरिक जो थकावट थी वो बरकरार थी, ठीक है, शरीर उसका पूरा थक चुका था, लेकिन मन जो था, मन में एक जोश का भाव था, मन में एक उमंग की भावना थी, और मन में उमंग की भावना होने के कारण ही उन्होंने जोशीले स्वर में, जोशीले भाव में अनेक टीलों को पार कर गया। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला है और उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। देखिए, जब रास्ते में आने वाले टीले को पार कर रहा था लेखक, जैसे वह टीले पर पहुंचता तो वह सोचता कि यह आखिरी टीला है, लेकिन उसके बाद एक टीला और आ जाता, फिर उसको पार करता, फिर भी यही सोचता कि शायद यह भी आखिरी टीला है। इस प्रकार से अनेक टीलों को वह पार करता हुआ वहां तक पहुंच गया, और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई देगा। वहां से दूर तक रेत की एक लंबी क्या थी, ढलान। ढलान जानते हो, फिसलन होती है, ठीक है, जिसको आप फिसलन पट्टी भी कहते हैं। जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का क्या हो रास्ता, ऐसा लग रहा था जैसे टीला है और टीले से एक ढलान है, और वह ढलान समुद्री तट पर पहुंचाती है। किसको? यात्रियों को, लोगों, यानी उस ढलान की सहायता से लोग समुद्री तट पर पहुंच जाते हैं। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही क्या था, ऊपर, यानी जो समुद्र का पानी था उससे थोड़ा सा क्या था, ऊपर था, यानी सूर्यास्त होने वाला ही था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठे गया। यहाँ आपको कुछ शब्दों पर गौर करना है, अपने प्रयत्न की सार्थकता, सार्थकता जो जिसका अर्थ
एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है, उसको सार्थक कहते हैं। ठीक है, प्रयत्न, एक प्रयास होता है, एक प्रयत्न, ये समानार्थी शब्द है। प्रयास, किसी भी एक सामान्य रूप से जो कार्य किया जाता है उसको प्रयास कहते हैं। तन मन से जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, जिसमें पूरी लगन होती है, लेखक ने पूरी लगन के साथ उस उन रास्तों टीलों को पार किया तो यह उसका प्रयत्न था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट यानी खुश होकर प्रसन्न होकर मैं कौन, लेखक टीले पर बैठ गया। जब वह टीले पर बैठा तो अपने आप को कैसे महसूस कर रहा था, जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची क्या हो, चोटी हो। देखिए, कोई भी पर्वतारोही जब चोटी पर बैठता है, झंडा फहराता है, ठीक है, विजय प्राप्त करता है किसी भी चोटी पर, तो अपने आप को बहुत ही एक तरह से गर्वोन्नत मानता है, बहुत ही प्रसन्न मानता है, बहुत ही खुश मानता है। उसी प्रकार से लेखक के लिए वह टीला चोटी से कम नहीं था, क्योंकि उसने बहुत प्रयत्न किया था, बहुत सी मेहनत की थी वहां तक पहुंचने की। और मैंने उस चोटी को पहली बार क्या किया है, सर किया है। यह एक शब्द है सर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। आज वह टीला किसके समान लग रहा था, चोटी के समान, जिसको उस यानी लेखक ने जीता है या उस चोटी पर क्या प्राप्त की है, विजय प्राप्त। यानी कहने का मतलब है कि जो टीला था वो चोटी से कम नहीं था। पीछे दाई तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों की झुरमुट नजर आ रहे थे, नारियलों के जो पेड़ थे वो नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी, आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। और विरक्ति, विरक्ति का मतलब या रति, रति होता है प्रेम। उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी, आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियां ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में, नहीं स्वतंत्र प्रेम के दिनों में किन्हीं वन युवतियों की क्या हो, बाहें। जिस प्रकार से कोई भी युवती प्रेम में भरपूर, ठीक है, प्रेम से वह आनंदित होकर अपनी बाहों को फैलाती है, उसी प्रकार से नारियल की जो झुरमट थे उनकी टहनियां दिखाई दे रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, यानी पहाड़ियों की श्रृंखला दिखाई दे रही थी, सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, रूखी होती सूखी, बिहार यानी उजड़ी हुई, और वीरान यानी उजड़ी हुई, उजाड़ होता ही उजड़ा हुआ अपन, ठीक है, वीरान लग रही थी, खाली कह सकते हैं। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया, जो सूर्य था वो पानी की सतह के पास पहुंच गया, यानी सूर्यास्त होने वाला था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया, उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका क्या हुआ हो, निर्माण, ठीक है, या उसको उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, जिस रास्ते से लेखक आया था उस रास्ते को पीछे मुड़कर देखने लगा तो लेखक को कैसा एहसास हुआ, कैसा महसूस हुआ, लगा जैसे रेत का कुंवरापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन सी हुई, एक कपकपी सी, एक डर सा पैदा हुआ, हल्की उदासी सी उसके चेहरे पर घिर आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आखिरी चट्टान में पेज नंबर 83 पर आधा भाग आपको समझा दिया गया है, जिसमें व्याख्या भी बनती है, व्याख्या आपको बाकायदा आती है, जिसमें आपको सबसे पहले संकेत लिखना पड़ता है, संदर्भ, ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना पड़ता है वो भी आपको बता रखा है, प्रसंग, सहप्रसंग व्याख्या है, और लास्ट पॉइंट होता है विशेष का, जिसमें दो बिंदु आते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। साथ साथ बेटा आप अपने प्रत्येक अध्यांश की सहप्रसंग व्याख्या भी रेफरेंस लिस्ट में आप करते रहेंगे प्रैक्टिस रूप में। नेक्स्ट क्लास में आपको जो शेष बचा हुआ वो करवाया जाएगा, तब तक इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।